हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का लेसन प्लान। तो इंग्लिश के लेसन प्लान में सबसे ऊपर आपको लेसन प्लान लिखना है, जैसे आप बाकी अदर सब्जेक्ट्स में लिखते हैं। देन सेम पीपल, टीचर नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास, ड्यूरेशन। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जनरल ऑब्जेक्टिव आपको एक ही बार लिखने हैं अपनी फाइल के फर्स्ट पेज पे, इसलिए आप बार बार जनरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखोगे। टॉपिक के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखोगे जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो। जैसे मैंने टॉपिक लिया था आइसक्रीम मैन, क्लास 5th की इंग्लिश की बुक का टॉपिक है आइसक्रीम मैन। तो उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट्स एबल टू नो द जॉयफुल पोएम अबाउट आइसक्रीम मैन, रीड अलाउड विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट्स एबल टू द न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्टूडेंट कैन टेल अबाउट आइसक्रीम मैन आफ्टर दिस पोएम। इसके बाद मैंने लिखा है टीचिंग लर्निंग मटीरियल TLMs, ब्लैकबोर्ड, चॉक, डस्टर, टेक्स्ट बुक, ये तो कॉमन है। इसके अलावा जैसे हम अदर सब्जेक्ट्स में लिखते हैं विशिष्ट सामग्री, तो ऐसे ही PPT और पिक्चर चार्ट। अगर आप कोई भी पोएम पढ़ा रहे हैं छोटी क्लासेस में, तो आप कोशिश करो कि आप उस पोएम का पिक्चर चार्ट यूज़ करें, ठीक है? उससे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और आपकी एक इनोवेटिव क्लास हो सकती है। देन मेथडोलॉजी, कि आप कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अपने टीचिंग के लिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ लेक्चर मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड और डिस्कशन मेथड। उसके बाद जैसे हम PK टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे प्री रीडिंग टास्क। पढ़ाने से पहले आपको जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हम करते हैं, तो आप इसमें कैसे ही कर सकते हैं, बट इंग्लिश का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हम यहाँ पे प्री रीडिंग टास्क बोलते हैं उसको। देन यहाँ पे पीपल टीचर वुड आस्क सम क्वेश्चंस, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे पजल ले सकते हो, पहेली ले सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है कि आप कैसे PK टेस्टिंग करना चाहते हो। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द पिक्चर। पिक्चर चार्ट जो हमने बनाया है उसको हम दिखाते हुए पूछ सकते हैं कि व्हाट इज देयर इन दिस पिक्चर। देन बच्चे बोलेंगे आइसक्रीम मैन। देन हूज क्राउड इज देयर नियर द आइसक्रीम मैन, चिल्ड्रंस। देन माय थर्ड क्वेश्चन इज डू यू लाइक आइसक्रीम मैन, दे विल से यस। आप यहाँ पे नो भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं, ठीक है, कि संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं, बच्चे क्या आंसर करेंगे। उसके बाद हम लिखते थे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, आप यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक भी लिख सकते हो या स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक भी लिख सकते हो। PK टेस्टिंग के बाद ही आप अपने टॉपिक के अनाउंसमेंट करते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ ब्यूटीफुल पोएम आइसक्रीम मैन बाय रेचल फील्ड। उसके बाद वाइल्ड रीडिंग टास्क, अब आप अपने कंटेंट को स्टार्ट करेंगे। जैसे हम उसमें लिखते थे प्रेजेंटेशन, प्रस्तावना, तो ऐसे ही प्रस्तुतिकरण, सॉरी। तो यहाँ पे आप वाइल्ड रीडिंग टास्क होता है, इसमें आपको सेम इसी फॉर्मेट में अपना लिखना है। दैट फर्स्ट पीपल टीचर स्टार्ट रीडिंग द पोएम अलाउड विद प्रॉपर एनोटेशन एंड प्रोनाउंसिएशन एंड एनकरेज स्टूडेंट टू रिसाइट अलोन। देन यहाँ पे पीपल टीचर पोएम को रिसाइट करेगा। फिर आफ्टर रिसाइटिंग द पोएम एटलीस्ट 2 times पीपल टीचर बिगिन एक्सप्लेनिंग इट स्टैंजा वाइज, ठीक है। आप पोएम को रिसाइट करने के बाद आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और पोएम में जितने भी न्यू वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आप उनको ब्लैकबोर्ड पे लिखेंगे। तो अपने प्रैक्टिकल फाइल में आपको ब्लैकबोर्ड वर्क शीट के लेफ्ट साइड करना है। ये मेरा ब्लैकबोर्ड वर्क है इस लेसन प्लान का। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी ली हैं बच्चों के लिए। जैसे Activity 1, आप अगर पढ़ाने के दौरान ही कोई एक्टिविटी करा रहे हो तो वो वाइल्ड रीडिंग टास्क में आएगी, ठीक है। लेसन पढ़ाने के बाद अगर आप कोई एक्टिविटी या कुछ भी करा रहे हो तो वो बाद में आएगा, वो इसमें मत लिखना, ठीक है। इसमें सिर्फ वाइल्ड रीडिंग, पढ़ाने के दौरान आप जो भी कर रहे हो वो आप इसमें लिखोगे। सो Activity 1, पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू मार्क डिफिकल्ट वर्ड एंड वुड एक्सप्लेन देयर मीनिंग टू देम। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे आप उन्हें ब्लैकबोर्ड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप Activity 1 मैंने दी है कि मैं बच्चों से कहूँगी कि बच्चों रीडिंग हो गई है, स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनिंग हो गई है, तो हम मैं उनसे कहूँगी कि तुम इसको रीड करो और इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड तुम्हें लगते हैं उन्हें मार्क करो, देन पीपल टीचर विल एक्सप्लेन देम, ठीक है। उसके बाद Activity 2 मैंने ली है, पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट अबाउट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम दे ईट। यहाँ पे पीपल टीचर स्टूडेंट से डिफरेंट फ्लेवर्स पूछेंगे आइसक्रीम के, जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है, ठीक है।
आपको अपने TLM में मिनिएचर्स लगाने हैं, क्योंकि चार्ट तो बहुत बड़ा होगा, इतना छोटा तो बच्चों को दिखेगा भी नहीं, तो आपके चार्ट्स एटलीस्ट इतने साइज के होने चाहिए कि बैक बेंच को भी वो क्लियर दिखे। आपको अपने लेसन प्लान में उसके मिनिएचर्स लगाने हैं। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने चार्ट की फोटो क्लिक करके उसको प्रिंट आउट निकलवा के भी लगा सकते हो। देन एक्टिविटी 3, पीपल टीचर विल डिवाइड द क्लास इन 2 टीम्स एंड 1 by 1 दे विल टेल व्हाट दे डू इन समर एंड विंटर। पीपल टीचर क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी और फिर उनसे एक एक करके उनसे पूछेंगे कि समर एक्टिविटीज क्या होती हैं और विंटर एक्टिविटीज क्या होती हैं। लाइक दिस, यहाँ पे जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हो उसको इस तरीके से आपको लेफ्ट साइड में करना है। एक्टिविटी हो गई, TLM हो गए, मिनिएचर, पपेट, ब्लैक बोर्ड वर्क, ये सारा आपको अपने प्लेन साइड पे करना है। मैं यहाँ पे व्हाइट शीट यूज कर रही हूँ अपने लेसन प्लान्स बनाने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन प्रैक्टिकल फाइल्स, तो आपको तो प्रैक्टिकल फाइल्स पे ही बनाने हैं, तो आप प्रैक्टिकल फाइल की लेफ्ट साइड पे बनाना, ठीक है। एक्टिविटी 3 हमारी थी, लिस्ट द एक्टिविटी यू डिड इन समर एंड विंटर। तो यहाँ पे 2 टीम्स मैंने बना दी, समर और विंटर। समर्स में हम क्या क्या करते हैं, स्विमिंग, प्लेइंग इन पार्क्स, रीडिंग एंड स्टडी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, जिमनास्टिक, ईटिंग आइसक्रीम्स। और सर्दियों में हम क्या करते हैं, हैविंग टी, सन बाथिंग, मसाज आवर फीट इन वार्म वाटर, प्लेइंग इन पार्क, गो टू कैंप फायर। तो ये तो सारा हमारा हो गया वाइल्ड रीडिंग टास्क। अब इसके बाद आता है पोस्ट रीडिंग टास्क, कि आपने अपना कंटेंट पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद जो हम वहाँ पे लिखते थे ना रिकैप्चुलेशन, तो ये वही वाला पॉइंट है, बट यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेट चेंज है तो यहाँ पे हम रिकैप्चुलेशन नहीं लिख के पोस्ट रीडिंग लिखते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है, टीचर विल एक्सप्लेन एंड रिकैप्चुलेट द पोयम एंड टेल द वर्ड मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स। एक बार टीचर फिर से पोयम को एक्सप्लेन करेंगी और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको उनकी मीनिंग फिर से बताएंगी। उसके बाद लेट्स डू, आप यहाँ पे लेट्स डू लिख सकते हैं या होमवर्क लिख सकते हैं। अगर आप रिटर्न वर्क दे रहे हैं तो उसको होमवर्क में लिखें, अगर आप कोई बनाने का या दूसरा काम दे रहे हैं तो आप उसको प्रोजेक्ट हेडिंग डाल के करेंगे। एंड डोंट वरी, ये सिर्फ एक ही इंग्लिश का लेसन प्लान नहीं है जो मेरे चैनल पे आएगा, इसके अलावा भी और भी लेसन प्लान्स की वीडियो मैं शेयर करूंगी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो वो भी मैंने अपने लेसन वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट पे डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। एंड फ्यूचर में भी बहुत सारे लेसन प्लान्स की वीडियो एंड डाइट से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स कंटिन्यू। लेट्स डू में मैंने लिखा है, पीपल टीचर विल गिव अ वर्कशीट टू द स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्ट देम हाउ टू कम्प्लीट इट। यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया था, तो यहाँ पे पीपल टीचर उनको एक वर्कशीट देंगी और उन्हें बताएंगे कि उन्हें वो कैसे करनी है। जैसे ये रही वर्कशीट लेट्स डू, क्योंकि वर्कशीट मैं पूरी इसमें नहीं लगा सकती थी और ये वर्कशीट भी मैंने खुद बनाई है, तो मैंने इसको छोटा ही करके बनाया है क्योंकि ऊपर ऐसे, तो वो आप अपना देख लेना अपने शीट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इज ड्रॉ आइसक्रीम इन द बॉक्स, ये इनकम्प्लीट आइसक्रीम है, स्टूडेंट्स को इसे कम्प्लीट करनी है। देन है, राइट 3 थिंग्स यू नो अबाउट आइसक्रीम, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो। तो नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं जिनको देख के उन्हें आइसक्रीम के बारे में 3 चीजें लिखनी है। 1, 2, 3। देन है, इफ यू कुड इन्वेंट एन आइसक्रीम फ्लेवर व्हाट वुड इट बी। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे तरीके से बनाए हुए हैं कि बच्चों की थिंकिंग पावर भी और नॉलेज पावर भी डेवलप हो, तो इसीलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना लेसन प्लान बनाएं ताकि वो बहुत ही अच्छा हो और बच्चों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अदर सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान की वीडियो भी जाके चेक कर लेना। थैंक यू।